बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर एंड इनविटेशन टू फाइट ऑफ अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट बुक टू। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पेल यंग जेंटलमैन डूइंग व्हेन पिप लुक्ड इन एट द विंडो, व्हाट एविडेंस ऑफ द एक्टिविटी डिड ही शो। वो कह रहा है कि जब वो यंग और पीले से कलर पीले से रंग वाला जो लड़का था वो क्या कर रहा था जब पिप ने उसको विंडो से देखा था। द पेल यंग जेंटलमैन वॉज एट हिज बुक्स, He had ink stains on it. वो जो है अपनी बुक्स वगैरह देख रहा था जिसके ऊपर के इंक या सही के निशान थे। सेकेंड क्वेश्चन, वट वॉज द एटीट्यूड ऑफ द पेल यंग जेंटलमैन टूवर्ड्स पिप वन दे फर्स्ट मैट। और जब वो पहली दफ़ा मिले हैं तो वो उस जर्दी माइल लड़के का क्या रवैया था पिप के तरफ और पिप और उन दोनों का रिलेशन कैसा था। द पेल यंग जेंटलमैन वॉज एरोगेंट एंड एग्रेसिव वैन दे फर्स्ट मैट। और जब पहली दफ़ा वो मिले थे तो जर्दी माइल जो लड़का था उसका वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं गुस्से वाला और बहुत ज़्यादा अपने आप को पसंद करने वाला तकबर वाला इंसान था उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड पिप इंडिकेट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल टू फाइट। और वो किस तरह से पिप जो है वो बताता है या अंदेशा देता है या शो करता है, इशारा देता है कि मैं जो हूँ वो फाइट के लिए रेडी हूँ या उसके जो चैलेंज कर रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। पिप इंडिकेटेड हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल टू फाइट बाय जस्ट फॉलोइंग द यंग जेंटलमैन विदाउट सेइंग अ वर्ड। वो सिर्फ उसको फॉलो किया जा रहा था। आपने वो चैप्टर में भी देखा है, वो कह रहा है कि अब मैं और इधर क्या कर सकता था। वो इतना ज़्यादा हैरान था कि ये कैसा लड़का है और मुझे किस तरह की दावत दे रहा लड़ाई करने की, तो वो बस उसको फॉलो करता जा रहा होता है जहाँ पर उन्हें लड़ाई करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, Why was Pip so surprised when he hit the pale young gentleman the first time? Why was he surprised again the second time? कहने के जब पिप ने उस लड़के को पहली दफ़ा मुक्का मारा या उसको हिट किया तो वो क्यों इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, और दोबारा जब उसने दोबारा हिट किया तो वो दोबारा सेकेंड टाइम क्यों सरप्राइज हो गया था। पिप वॉज सो सरप्राइज वैन ही हिट द पेल यंग जेंटलमैन बिकॉज द पेल यंग जेंटलमैन फेल ऑन हिज बैक द सेकेंड टाइम ही वॉज सरप्राइज अगेन बाय हिज बॉक्सिंग स्किल्स। और वो जब वो उसको हिट करता है तो वो जो है वो नीचे गिर जाता है और उसके चेहरे पर निशान भी आ जाता है, तो वो पिप खुद ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज और हैरान हो जाता है कि मैं कैसे मेरी बॉक्सिंग स्किल इतनी अच्छी है। और दोबारा जब वो उसको हिट करता है तो दोबारा वो लड़का जो है वो जो इतना बहुत ज़्यादा ईगर था लड़ाई करने के लिए वो दोबारा गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द पेल यंग जेंटलमैन विन पिप्स रिस्पेक्ट, व्हाट डज दिस टेल यू ऑफ हिज करेक्टर। वो कह रहे हैं कि वो जो जर्दी माई लड़का था उसने पिप की जो खुशनदी थी या उसको कैसे उसको अच्छा लगा और किस तरह से ये बताया गया इस पूरे चैप्टर के अंदर। ही वन पिप्स रिस्पेक्ट बिकॉज ही स्टक रिजिडली टू द स्पोर्ट रूल्स, इट टेल्स अस दैट ही इज़ ट्रू स्पोर्ट्स मैन एंड हैज़ फाइटिंग स्पिरिट। वो कह रहे हैं कि वो जितने भी रूल्स वगैरह उन्होंने स्टार्टिंग में सेट किए थे तो वो बहुत ज़्यादा फर्मली उनके ऊपर रहा है वो जो लड़का था जर्दी माइल, और यही बात हमें बताती है कि वो एक सच्चा या उसके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप थी और उसके अंदर यह जज्बा था बहुत ज़्यादा लड़ाई करने का। क्वेश्चन नंबर 6, When did the pale young gentleman give up the fight? वो कह रहा है कि किस टाइम या कौन सी जगह पे, पहले तो वो बिल्कुल भी आपको पता है कि गिव अप नहीं कर रहा था कि नहीं मैं फ़ाइट करूँगा। बार बार वो गिरता था, मार खा रहा था, खून निकल रहा था उसको, वो फिर साफ़ करता था अपने जो भी उसको ज़ख्म लगे होते थे, वो दोबारा खड़ा हो जाता था। तो किस टाइम पे वो गिव अप कर देता है, फ़ाइट उसकी रुक जाती है। ही गिव अप फाइट ओनली वैन हिज हेड वॉज हिट अगेंस्ट वॉल। वो उससे उसी वक्त इस बात से बात आता है लड़ाई करने से जब उसका सर जो है वो दीवार के साथ लगता है बहुत जोर का, वो फिर उससे अभी उसकी कॉन्शियसनेस भी इतनी सही नहीं होती कि वो दोबारा से लड़ाई कर सकते हैं, इस वजह से वो वहाँ पे गिव अप कर देता है, हार मान देता है। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक द पेल यंग जेंटलमैन वॉज अ गुड स्पोर्ट, सब्सटेंशिएट योर आंसर। वो कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो जर्दी माई लड़का था क्या ये अच्छा उसकी अच्छी थी स्पोर्ट वगैरह, या आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ही वॉज अ गुड स्पोर्ट फॉर 3 रीज़न। वो कह रहे हैं कि वो अच्छा खिलाड़ी था, किस वजह से, ही followed all the rules during fight, उसने जितने भी rules वगैरह बनाए थे वो follow किए। He did not give up even though he was badly bruised and he accepted the defeat gracefully। वो कह रहे हैं कि वो उसने जितनी बार भी उसको मार पड़ी लेकिन उसने अपनी स्टार्टिंग में ये नहीं किया कि मैं अपनी हार मान के बैठ गया, बल्कि वो लड़ता रहा, आखिर तक लड़ता रहा, फिर वो एंड पे बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, इस वजह से उसने अपनी हार मानी थी और उसने अपनी जो हार है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली और ग्रेसफुली एक्सेप्ट की थी, इस वजह से वो लड़का जो था वो अच्छा स्पोर्ट्समैन था। I hope this lesson is clear to you and its question answers also.